हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। कैसे आप सभी? होप सो आप अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे। यार पता है, दिक्कत ये है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। बट इट्स माय फर्स्ट टाइम, तो लाइक मैं स्टार्टिंग। मेरा नाम पूजा है और मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ। इंडिया के भी मैं दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट एरिया से बिलोंग करती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड एक लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ मेरे फैमिली बैकग्राउंड में एंड मेरे हस्बैंड की फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी पर्सन आउट ऑफ इंडिया नहीं गया है। और जहाँ मतलब हम एक दूसरे स्टेट तो जाते नहीं है, और आउट ऑफ इंडिया जाना एक सपना ही है हमारे लिए। मतलब हम सोचते भी नहीं है कि यार हम आ जाएंगे। हम क्या, मेरे हमारे जैसे कोई भी फैमिली वाला होगा कि हम विदेश जाएंगे, कभी किसी ने सोचा नहीं होता, और हमने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। वी आर द लकी वन एंड वी आर द फर्स्ट वन कि हम आउट ऑफ इंडिया गए और उन्होंने हमने सीधा जंप मारा यूरोप के अंदर। नाउ मैं यूरोप की एक छोटी कंट्री एस्टोनिया में हूँ, और दिस इज़ अ वेरी नाइस प्लेस। वाओ, बात ये हुई कि मेरे हस्बैंड को ना मतलब नोटिस मिलता है उनके ऑफिस की तरफ से कि जो आपका ट्रांसफ़र है वो यूरोप में हो चुका है, एस्टोनिया कंट्री में, और आप किसी भी वक्त निकल सकते हो। मतलब आज कल, एक हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में, कभी भी जा सकते हो। तो उस वक्त काफ़ी स्ट्रेस लेवल हमारा बढ़ गया। पहली समस्या हमारी ये होती है कि हम तो एक प्योर वेजिटेरियन है, कि वहाँ पे वेजिटेरियन फूड मिलेगा नहीं मिलेगा, वहाँ जाएंगे तो कैसे स्टेबल हो पाएंगे, क्योंकि वो ठंडी प्लेस है। और मेरा सी सेक्शन डिलीवरी हुई है, और मेरी बेटी अभी 6 मंथ की, उसने लास्ट डे ही कंप्लीट किया है। अब उस नोटिस को पढ़कर ना एक बात तो क्लियर हो चुकी थी कि हम इनका ट्रांसफ़र हो गया है, हम यूरोप जा रहे हैं, यूरोप में हम एस्टोनिया जा रहे हैं, और ये मौका हम छोड़ कैसे सकते हैं, है ना। जाना तो चाहिए, बाहर घूमना चाहिए, देखना तो चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। अब सब काम हो चुका है, तो हमें बस इंतज़ार था टिकट का, जो या एक दिन हो गई, हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, आए ही नहीं हम। और वहेंगे क्या होता है कि फ्लाइट से एक दिन पहले, मतलब फ्लाइट से एक दिन पहले अराउंड 3:30 या 4 PM, मतलब शाम के 4 बजे के आसपास, वो हमें टिकट ट्रांसफ़र करते हैं, लो भैया आपकी टिकट हो चुकी है, अब निकलो। और फ्लाइट भी अगले मॉर्निंग की सुबह 8 बजे की थी। मतलब हमें ना ऐसा लगा था कि जब वो हमें टिकट देंगे तो हमें कम से कम 1 या 2 दिन का टाइम देंगे तैयारी करने के लिए। बट हमें ये नहीं पता था वो अगले दिन सुबह 8 बजे की ही टिकट दे देंगे, जिसमें 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँचना होता है। तो ये हमें पहले से बिल्कुल आइडिया नहीं था ऐसा कुछ होगा। लेकिन जैसे ही हमारे पास वो टिकट आती है, मतलब कि मैसेज आता है उस चीज़ का, तो हमारा सबसे पहले बिना सोचे समझे हमने करेंसी को एक्सचेंज करवाया, मतलब इंडियन रुपी को हमने यूरो में चेंज करवाए। ये सबसे पहला काम हमने यही किया था। हस्बैंड है ना, वो मतलब कि मनी एक्सचेंज करवा के लेकर आते हैं, और इधर मैं ना अपने बैगों में सामान घुस रही होती हूँ, ऑब्वियसली मैं घुस ही रही होती हूँ और उसकी चैन भी नहीं लग रही होती है। तो मेरे हस्बैंड आके मुझे ये बताते हैं कि ना हमारे बैग की ना लिमिट डिसाइड हो रखी है, हम 23 kg से ज़्यादा सामान नहीं ले जा सकते, और पर बैग, और मतलब और उसमें भी ना बैग का जो वेट है वो इंक्लूड हो रखा है, यानी हम उसका बैग का जो 4-5 किलो का जो वेट है वो हम निकाल दें तो मतलब 16-17 किलो हम सामान ले जा सकते हैं। तो अब परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई कि हम क्या सामान लेकर जाएं और क्या सामान ना लेकर जाएं। हमारी पैकिंग करीबन मतलब 1:30 बजे के आसपास फिनिश होती है, और हमारी फ्लाइट जैसे कि 8 बजे की थी, तो हमें 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होता है, मतलब है ना, और फिर उसे 2 घंटे पहले घर से पहले निकलना होता है। मतलब हमने ये एस्टिमेट लगाया था हम 4 o'clock के आसपास हम निकल जाएंगे, क्योंकि ये हमारी पहली बार है, तो हमें कोई आइडिया नहीं था कि कैसे जाना है कैसे नहीं जाना। तो हम कैंप से निकलने की सोच रहे थे, तो 4 बजे निकलने के लिए ऑब्वियसली 1-1.5 घंटे पहले हमें उठना था, नहाना धोना, खाना पीना, पैकिंग वैकिंग सब। तो मम्मी ने क्या खाना भी पैक करके मुझे दे दिया था कि भाई रास्ते में खाने के काम आएगा, कि वहाँ पर अलाव मिल करें नहीं करें, कैसा खाना है कैसा नहीं, एमरजेंसी में तुम ये खाना खा सकते हो अपने। फिर मैंने कैब बुक करी, फिर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। हम भी अराउंड 6:30 के अराउंड हम एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, और वहाँ पे मतलब काफ़ी हमें दिक्कतें हुई। वहाँ पे जब बैग चेक हो रहा था तो पता चला किसी एक बैग में सामान ज़्यादा है, किसी में कम है, मतलब वेट भी उसमें सामान चेक करने में लग गया हमारे कैंप।
और मतलब भागते भागते ट्रेन पकड़ते हैं ना रेलवे स्टेशन पर, ऐसे हमने भागते भागते वो एरोप्लेन पकड़ा। तब कि ना जब हम घर से बाहर निकले ना, मतलब जब घर से बाहर हम गाड़ी में बैठ के निकले ना, तो एक्साइटमेंट बहुत थी यार, हम बाहर जा रहे हैं, हम यूरोप जा रहे हैं। एस्टोनिया पहुँचे तो हमें ऑफिस की गाड़ी आती है लेने के लिए, और हम होटल में स्टे करते हैं, और जब हम होटल में अपना रूम और बिस्तर देखते हैं ना, तो उस रात हम काफ़ी चैन की नींद सोते हैं। मतलब जो स्ट्रेस था ना कि हम कैसे पहुंचेंगे, हमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी कि हम किसी दूसरी फ्लाइट में तो नहीं बैठ जाएंगे, बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रेस था क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहे थे एक एरोप्लेन में, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल था। जिससे जब हम रात को जो हमने नींद ली, हमारा काफ़ी स्ट्रेस होता है कि माइंड से ऐसे बोझ था वो उतर गया यहाँ पहुँचने के बाद, सच में ऐसा फील हुआ। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लोगों तक शेयर करना और लाइक तो ज़रूर करना, प्लीज़ 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 लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँ। तब तक के लिए बाय बाय।